hello my dear lovely students how are you hope you all are well and safe at your places so welcome once again to e classroom of english with her free core and today we are going to read a poem what is peace so let's get started and understand what actually is peace and how it can be achieved what is peace i sometimes wonder is it abstract or concrete? I often ponder. Is it the gentle dove that raises hoardings, the many notices and pamphlets? Or it's something more enduring, a concept that enriches and nourishes the life itself. So here the poet says that he's in a confusion. He's just thinking, wondering what actually this piece is. Shanti huti kya hai Actually what it is and how we can achieve it. इज़ इट एबस्ट्रैक्ट थिंग एबस्ट्रैक्ट मीन्स दैट एक्जिस्ट ओनली इन थॉट्स हमारे सिर्फ विचारों में हमारे थिंकिंग में हमारे थाट्स में होता है कॉन्क्रीट मीन्स इज इट विजिबल इज इट फिजिकली एक्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड सो वॉट इट इज़ इज़ इट फैक्चुअली कॉन्क्रीट और एब्सट्रैक्ट आई ऑफन पोंडो पोंड्यो मीन्स जस्ट थिंकिंग समथिंग सोच विचार करना सो ही इज़ जस्ट इमेजिनिंग कि वॉट एक्चुअली इट इज़ या एबस्ट्रैक्ट है कॉन्क्रीट है या इट्स अ जेंटल लव और अ केयर विट ग्रेसिज और इंक्रीजिज द ब्यूटी ऑफ द होर्डिंग्स और द पम्पलेट्स और द नोटिसज और समटाइम्स इट इज़ मच मोर दैन दैट मच मोर वैल्यूएबल दैन दैट मैनी अ टाइम्स पीस टेक्स अ ग्रेट प्लेस इन अवर लाइफ हमारे जीवन में पीस एक अलग ही प्लेस लेता है इट इनरिचिज आवर लाइफ इट नरिश इज आवर लाइफ हाउ हाउ बिट इट्स नरिशिंग आर लाइफ सी अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा देर विल बी नो पीस इन योर लाइफ यू कैन कैन यू इमेजिन योर लाइफ भी सेटिस्फैक्ट्री नो वी कैन नॉट वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर मनी एंड वी आर जस्ट मूविंग एंड मूविंग विदाउट एनी एम इन आवर लाइफ There is no peace. There is no satisfaction. So peace, as per the author, or you can say the speaker, it is a very great thing, much more enduring thing, and it enriches our life. It nourishes our life. Next stanza. Peace reigns in households that walk together despite all differences when the member gathers. It exists when neighbors meet to greet, not bitter words in anger utter.

The people, or you can see the member of the family, they walk together. Even there are uh, views, different differences in the views. Sabke views allag -allag ho sakte hai family mein. Your aunt might be dif thinking different. You might be thinking different. Your parents are thinking different. Your cousins are thinking different. But still, when there is peace, when when you are just keeping these things aside. है ना एंड यू आर वॉकिंग टुगेदर हैंड इन हैंड तब डेफिनेटली पीस विल रूल इन योर हाउस एंड डेफिनेटली व्हेन योर नेबर्स आर देयर टू मीट यू टू ग्रीट यू इंस्टेड ऑफ़ टॉकिंग वेरी एंगली टू यू या फिर अटरिंग वेरी हार्श वर्ड्स बहुत बुरे शब्द आपके साथ यूज़ करें बिटर मीन्स हार्श एंड बैड वर्ड्स सो इन एंग्री वेन यर टाइम्स इट हैपन्स आपकी किसी नेबर से लड़ाई हो जाती है एंड यू की पंचआउटिंग यू कैन फाइटिंग यू लूज योअर टेम्पल एंड Indirectly, you use your peace also. So, agar, you are not speaking such words. You are just meeting your neighbors or your friends with peace. Definitely, your life will be much better. It also blooms or also grows. इट मीन्स येस पीस पीस ऑल्सो ब्लूम्स वन द फ्रेंड्स रिजोल्स द डिस्प्यूट्स जितने भी उनके डिस्प्यूट्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फाइट्स होती है उसे भूल कर उसे रिजोल्व कर देते हैं विद देर स्माइल विद द लाफ्टर एंड दे जस्ट लीव अवे दिचुएशन वेरी कामली सब कुछ बहुत कामली टैकल करते हैं एंड दे फॉगेट ऑल द फाइट्स अपनी सारे लड़ाई झगड़े भूल जाते हैं दैन डेफिनेटली पीस विल ब्लूम देर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड पीस लिंगर्स ओवर कंट्री दैट कॉन्फर ऑन ईशूज दैट डिवाइड एंड नॉट यूनिफाई वॉट इज लिंगर लिंगर मीन्स स्टे तो कहाँ रहता है पीस इट लिव्स इन अ कंट्री दैट कॉन्फर कॉन्फर मीन्स डिस्कस ऑन द इशूज़ दैट डिवाइड एंड नॉट यूनिफाई ऐसी ही बातों पर बैठ के बातचीत करती है जो कंट्रीज जिससे हमें यूनिटी मिले नॉट डिविजन ठीक है तो वहाँ पर पीस हो सकता है अदरवाइज वहाँ पीस नहीं होगा जहाँ पर ऐसी यूनिटी नहीं होगी एंड डेफिनेटली दिस पीस ऑल्सो वॉचेस एज अ कॉन्सेंस दे रीच एंड हैंड एंड हैंड स्टैंड टू बाइन वन ऑल व्हाट इज दिस वर्ड इट मीन्स इट अकर्स और इट स्टेज इन सच प्लेसेस वे देर इज यूनिटी एंड देर इज अ Problem is not there among the people. They discuss the things instead of fighting or arguing. And they walk hand in hand. And they work as one and single one as all. Bind them as one and all. They do not divide them. <laughs> पाँचों मिली तो बन गई मुठ्ठी अगर हमारी फाइव फिंगर्स हैं हम उसे अलग अलग यूज़ करेंगे दे विल बी नो एनर्जी इन योर हार ना अपने पाम में कोई एनर्जी नहीं होगी बट वेन वी क्लोज दीज फाइव फिंगर्स टुगेदर इट मेक्स अ पंच मुठ्ठी बन जाती है और एक पंच किसी को पड़ जाए देट मीन्स येस नो बडी कैन फाइट यू सो डेफिनेटली यूनिटी इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग इट्स अ बिग बॉन्ड है ना सो so, peace is then just not a dove, meek and gentle, but a powerful tool that adds meaning to life, assures joy supreme, heralds success at every corner. for togetherness, strength, harmony is bliss. so here the poet says that everything, peace is not just a simple thing or a meek or a gentle thing, but many a times it becomes a very powerful tool. and definitely it, when it becomes a powerful tool, it adds some meaning, important meaning to our life. And it ushers. Usher means it indicates us that our life is full of joy and happiness. It heralds. Heralds means it announces success at every corner. Agar aapki life If you have peace, you have innocence, if you have an agreement to listen to everyone, there will be joy, there will be success at every corner of your life. And why the poet is saying so? बिकॉज टुगेदरस इज़ ऑलवेज़ अ स्ट्रेंथ अगर आपके आस पास सब मिलकर एक साथ काम करेंगे आप देर विल भी टुगेदरनेस एंड वेन देर इज़ टुगेदरनेस देर इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रेंथ जब हम पाँच लोग मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा काम कर सकते हैं न राइट बट वेन अ सिंगल पर्सन इज़ वर्किंग डेफिनेटली ऑर शी विल टेक टाइम सो द पोयट यर इज सेंग दैट टुगेदरनेस इज़ ऑलवेज़ अ स्ट्रेंथ एंड हारमनी इज़ ऑलवेज़ अ Bliss, bliss means pleasure. So we should always have hope and peace in our mind to work forward and get success in every corner, every field of our life, and definitely we will have joy, happiness in our life. Peace moves forward and it increases our hope always. So definitely, girls, you might have learned a very good lesson from this poem. दैट नथिंग इज मोर प्रेशियस दैन पीस उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रेशियस नहीं है अमूल्य है ये एंड पीस इज़ द मोस्ट बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ माइनकाइंडूमिटी ह्यूमन मैनकाइंड इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है येस योर पीस पीस ऑफ योर माइंड योर हार्ट एंड द इंटायर वर्ल्ड so thank you for watching this video and for getting best out of this video girls do watch this more and more times bye bye take care